So guys, getting really excited for it. मैं क्लोडगंज में कभी नहीं गया, going for the very first time. Yo, Waza, tell him where you from, man. Yeah, Maja Sai. Hey guys, kitna ji, namaste, sat sri akal, adab and welcome back to aapke apne channel Sahi Logs pe. To firstly, aap sab kaise ho, kya haal chal raha hai? I hope aap sab badhiya honge, sab badhiya kar rahe hoge aur aapki life mein sab kuch badhiya chal raha hai. To abhi just yaar Saturday tha, abhi party se ho ke aaye aur kal hai Sunday aur kal subah subah hame kahin nikalna hai. Kahan nikalna hai main aapko batata hu. Kal hum ja rahe hain Kangra. Kangra mere bua rehte hain. Honey Money ko to aapne dekha hoga vlogs mein pehle bhi. Chote mere bhai to wo Kangra shift ho gaye hain, wo apni further studies ke liye Kangra chale gaye hain. So kafi zyada miss kar rahe the, hum bhi unhe kafi zyada miss kar rahe the. So kal hum ja rahe hain Kangra. To kal unhe pehle Kangra ja ke milenge, unhe pick karenge, fir jayenge hum MacLeodganj dharmshala. MacLeodganj mein kabhi gaya nahi hu, but kal finally MacLeodganj ja rahe hain. So I thought ki aapko MacLeod के दर्शन कराए जाए, वो भी अपने स्टाइल में. मैंने सोचा कि यार अभी व्लॉग शुरू कर दूं, क्योंकि सुबह मतलब इतनी जल्दी होती है तो कुछ बोलना नहीं जाता. सो आई थॉट कि अभी व्लॉग शुरू कर देना चाहिए. सो फर्स्टली वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप खुद को स्टार्ट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो. और तो गाइस, गेटिंग रियली एक्साइटेड फॉर इट. MacLeodganj में कभी नहीं गया, गोइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. काफी ज्यादा मजा आने वाला और आपको भी काफी ज्यादा मजा आएगा. तो फटाफट अभी चल जाते हैं बेडरूम की ओर, क्योंकि सुबह 5 बजे उठना है हमें. अगर 5 बजे नहीं उठा तो मेरी ये टूट जाएगी. बहुत ज्यादा थक गया हूँ, हालत बहुत गंदी वाली टाइट हो गई है. तो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, गुड नाइट गाइस, मिलते हैं कल सुबह 5 बजे. सो लेट्स गो. सो गाइस, सुबह हो गया है, वहां पर सुबह के 4:50 हो रहे हैं. सो सबको पहले गुड मॉर्निंग. मेरी आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही हैं, पर जल्दी जल्दी अभी हमें नहाना भी है, रेडी भी होना है. 5:10 5 बजे तक हमें निकलना है. सो फटाफट नहा लेते हैं, जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाते हैं और फिर चलते हैं. सो गाइस, मैं हो गया रेडी. तो फटाफट निकलते हैं कांगड़ा की ओर, क्योंकि 5 बजे निकलना था, 5:30 हो गया. मुझे डांट भी पड़ेगी क्योंकि मैंने ही सबसे ज्यादा टाइम लगाया नहाने में. तो चलते हैं कांगड़ा की ओर, आपको दिखाते हैं. सो आज जो जो करेंगे आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे, तो फुल मजा करने वाले हैं. तो ब्लॉग में बने रहो, चलते हैं कांगड़ा की ओर. फिर मम्मा आप नहीं जा रहे हो, आप तो दादी के पास रुको, उनका तो ऑपरेशन हुआ ना अभी ताजा, तो फिर उनका ख्याल रखोगे. हाँ, ये भी साथ में चल जाएंगे, हम उनको छोड़ देंगे. बाकी अभी चलते हैं, खा पी लिया, फ्रेश हो गए हैं, चलो अभी चलते हैं, लेट्स गो. जब उठे थे रात थी, अब दिन हो गया, 6 बज रहे हैं, लेट बहुत ज्यादा हो गए हैं. सो अभी चलते हैं, लेट्स गो. सो अभी वी आर ऑफ. तो अभी यहाँ से कितना किलोमीटर है भाई? 100 किलोमीटर है पास में है यहाँ से. तो बस अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं. तो कम से कम रास्ता कवर करेंगे. मैं घर से पहले लाइन याद करके आया था कि कम से कम रास्ता कवर करेंगे, तो जितना आपको दिखाएंगे दिखाएंगे. सो मोटिव ये होगा आपको वधी से वधी लोकेशन दिखाएं, मतलब अच्छी अच्छा मतलब कि रास्ता दिखाएं. रोड तो चलो कोई भी देखता है ना, व्यू दिखाएं. मेरा था, मैं ना सोच रहा था कि 5 बजे निकलेंगे तो अंधेरा होगा तो व्यू नहीं दिखेगा. मैं बोलूँगा आपको भी बाद में दिखाएंगे आते वक्त, बट नहीं, अभी दिन हो चुका है, सो भी दिखाएंगे. जितना भी रास्ता आपको दिखाया यहाँ से धर्मशाला, कुल्लू मनाली वगैरह तक, कुल्लू मनाली तो काफी दूर है, एक दिन लग जाता है वहाँ पे. तो बस अभी जा ही रहे हैं, रास्ता काफी, सफर काफी लंबा है. सो बस अभी जा रहे हैं और चलते हैं, आपको जाके मिलवाते हैं, फिर जहाँ जहाँ घूमने जाएंगे आपको दिखाएंगे. सो वी हैव रीच्ड कांगड़ा. अभी हम कांगड़ा में है, आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ. हाँ, ये है, ये कांगड़ा पूरी मार्केट है, ये मेन अड्डा है कांगड़े का. तो अभी बस अभी चलते हैं भूजी के घर पहले, और फिर मिलेंगे, फिर घूमेंगे, अभी आपको सारा दिखाएंगे. कांगड़ा फोर्ट भी है यहाँ पे, वहां पे भी चल पड़ेंगे, देखेंगे. और अभी बस यहाँ से टर्न लेना है. और अभी भूजी को भी नहीं पता कि हम आ रहे हैं, सो चलते हैं अंदर अभी घर पे. खोलो बरा, अंदर नहीं आना, अपने अंदर नहीं बुलाना अपने. सुते उठे हुए, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, ठीक है? हेलो, मैं बोल दे फिर सबको. और फिर भी ये सो के उठा है जस्ट, है आंख देखो इसकी कितनी सूजी हुई है, जैसे मेरी सूजी थी पहले. और बता बाकी बढ़िया बताता फिर. साइकिल भी लेकर आ गए हैं आपके, अभी साइकिल गाड़ी में रखे हुए हैं. स्कूल वगैरह जा रहे हैं, चलो बढ़िया, अभी साइकिल निकालते हैं इनके, चलो जल्दी जल्दी. आपको ये चीज दिखाई नहीं, गाड़ी बुरी भर के निकाय है, साइकिल वगैरह खाने पीने का सामान भी है इनका, ठीक है? बढ़िया, निकाल ले फिर साइकिल, खुद निकाल ले, खुद निकालना पड़ता है यहाँ पे.
बाकी बताऊँ हिमाचल की वाइफ तो अलग ही होती है। बस अभी यार थोड़ी देर मेरे को भी नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सोता हूँ, जाके फोन चार्ज वगैरह कर लेते हैं। जहाँ जहाँ घूमने जाएंगे आपको सब कुछ दिखाना है। यही उठाएगा पापा, जाए तो जा, मत करो। रेडी हो घूमने के लिए? रेडी हो? भी रेस्ट करके हो गए हैं वेले, बस अभी चलते हैं कांगड़ा, घूमते हैं। कांगड़ा फोर्ट भी है, कांगड़ा टेंपल भी है, धर्मशाला भी जाना, काफी मतलब कि यहाँ पे घूमने वाले जगह हैं। सो सारी कवर करेंगे, जितनी कवर होएंगी उतनी करेंगे, सारी तो नहीं हो सकती, काफी ज्यादा है। सो चलते हैं आपको दिखाते हैं। सो लेट्स गो, सेट है, चलें। कहाँ जाना है अभी? कांगड़ा मंदिर, धर्मशाला। ये शाबाश, चलो चलते हैं यार। कैसे हो आप? वधी? फाइन, चलो बढ़िया होना चाहिए। चले फिर, चलो आपके आने से बहुत खुश हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हां तूने, बाय बाय, टेक केयर ब्रो। उसके लिए अभी हम जा रहे हैं कांगड़ा मंदिर। सो ये रास्ता जा रहा है, आपको सारा रास्ता दिखा रहे हैं, काफी बढ़िया। मतलब कि यार यहाँ पे पता क्या, साइड में शॉप्स हैं और बीच में रोड है, साइड साइड में शॉप्स और बीच में रोड, यार काफी बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। तो बस अभी चलते हैं पहले कांगड़ा मंदिर, आपको दिखाते हैं, देन उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है। गोलगप्पे खाते हैं, गोलगप्पे खा के फिर हम पेट भर लेंगे। जी मेरे को क्या दिखा है यहाँ पर भी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ओ माय गॉड, कितनी खतरनाक एडवर्टाइजमेंट है इनकी। ये रास्ता है मंदिर को, काफी छोटा रास्ता है और अंदर गवर्नमेंट पार्किंग भी है, तो वहाँ पे हम कार लगाएंगे फिर अंदर जाके मत्था टेकेंगे। रास्ता कैसा है नहीं बता दो खुद ही। अच्छा है, अच्छा है। आ गया पार्किंग में, गाड़ी लगा लेते हैं अभी। चलो जी, तो चले मंदिर अब जल्दी जल्दी फटाफट। यस, ऑलमोस्ट आई गया, पहले चढ़ाई है, यहाँ से चढ़ के सीधा अंदर आ गया, उस साइड है मंदिर। सो चलते हैं जहाँ तक मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस होंगी, मतलब जहाँ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, जहाँ पे शूट नहीं कर सकते वहाँ मैं नहीं करूँगा, बाकी चलो देखते हैं आगे जाके। जय कर लिया और काफी ज्यादा अच्छे दर्शन हुए और काफी ज्यादा रश था, क्योंकि मतलब कि संडे भी आज, तो टूरिस्ट काफी ज्यादा आ रहे हैं। और ये पीछे देखो बर्फ के गोले कैसे खा रहे हैं। तो अभी बस अभी मैं कुछ खाऊंगा, अभी खाना खाना है हमने, तो अभी खाना खाएंगे और फिर देखते हैं अभी कहाँ जाते हैं। सो अभी खाना खाते हैं यहाँ पर और फिर चलते हैं आगे धर्मशाला की। और कांगड़ा फोर्ट कैंसिल हो गया यार। अभी खा लिया खाना, तो अभी हम जा रहे हैं धर्मशाला की और वहाँ जाएंगे, मैक्लोडगंज जाएंगे, धर्मशाला तो नहीं जाएंगे, देखते हैं आगे, मूड पे डिपेंड करता है कहाँ जाना है। सो अभी बस चलते हैं, खाना वाना खा लिया, दोपहर का भी नहीं खाना, रात का भी नहीं खाना, बस पेट फुल है, बस अभी चलते हैं आगे। ठीक है, yes. पता नहीं कौन सा हमने चूज कर लिया हुआ है यहाँ पे, पता नहीं कहाँ पे बोर्ड लिखा था धर्मशाला और एक गलियों में घुसा दिया हुआ है। बुरी हालत है यहाँ पे, वन वे है, एक साइड से गाड़ी नहीं है, हमारे पीछे तो कोई गाड़ी है ही नहीं है, पर कोई चक्कर नहीं, जहाँ रास्ता खुलता है वहाँ पे पहुँचते हैं, आपको बताते हैं सही रास्ता कि गलत रास्ता है। फाइनली हमें रास्ता कोई मिल गया, मेन रोड आ गया यहाँ पे, हम गलियों में घुस गए थे गलती से, गूगल मैप पाइप मत फॉलो करो यहाँ पे, बहुत बुरी हालत होती है गलियों में घुस के, सिर पीड़ हो जाएगी आपके। तो अभी बस यार हाईवे मिल गया है, धर्मशाला चलते हैं, वहाँ पहुँच गया और आपको दिखाते हैं। ये व्यू चेक करो आप, व्यू चेक करो यार। सो ये रास्ता मैक्लोडगंज को ही जाता है, काफी ज्यादा रश है यार, आज वीकेंड भी है, सो काफी ज्यादा रश है। चलो आगे जाके देखते हैं क्या होता है। आई थॉट कि यार आगे जाके देख के आते हैं, अगर रश होगा तो वापस आ जाएंगे, अगर रश नहीं होगा तो जय श्री राम आगे चल जाएंगे, बट काफी ज्यादा रश होने वाला है। हर जगह पुलिस की चेकिंग हो रही है, मतलब कि चप्पे चप्पे पे पुलिस चेक कर रही है कि आपके पास लाइसेंस है, तो लाइसेंस लेकर जरूर आना अगर आपने अभी आना होगा, क्योंकि रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। सो अभी बस जा रहे हैं यार, मैंने सोचा था कि मोड़ लेते हैं वहाँ से, रह देते हैं धर्मशाला घूम लेंगे, मैक्लोडगंज बाद में, मैक्लोडगंज में कभी गया नहीं हूँ वैसे, तो फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ मैक्लोडगंज, तो मैं देख लेते हैं फिर, है ना। ओके, खाए हैं घोड़े की पूंछ के बाल हैं, रश देख लो आप, देख सकते हो काफी ज्यादा रश है आगे, तो ट्रैफिक पुलिस भी आ गई है। मैं कह रहा था पहले कि बहुत रश होने वाला है, संडे है, संडे को काफी लोग आते हैं, वीकेंड पे पूरी फैमिलीज वगैरह आई होती हैं, तो रश बहुत ज्यादा। मैं तो कह रहा था पापा मोड़ लो यार, अभी मौका है मोड़ लो, है आगे जाने को रास्ता ना ही पीछे जाने को रास्ता, अब क्या कर सकते, मुझे समझ नहीं आ रहा।
आपसे बोलूं भी फंसने वाला काम है यहाँ पर, बहुत बुरी हालत हुई है। अभी आगे जा रहे हैं भागसू नाग वाली साइड से, बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा। तो फाइनली पार्किंग की जगह मिल गई हमें बड़ी मुश्किल से, पता नहीं कहाँ कहाँ से, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं बोंदल गया हुआ हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा जाना कहाँ है। अब सब मौसम एंड है, वो देखो केबल कार इन इंग्लिश हम उड़न कटोला ही बोलते हैं। मैं तो पहली बार आया हूँ कसम से, मुझे समझ नहीं आ रहा जाना कहाँ पे है, यहाँ पे कोई मेरे को पता नहीं है कहाँ पे कौन सी मार्केट है, कहाँ पे भागसू है, मेरे को कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। बट अब जाके देखते हैं कहाँ पे है, वहाँ पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं, जो मैं देखूंगा वो आप देख लेना, और प्लीज यार सॉरी अगर कुछ मिस हो जाए तो। तो नीचे महात्मा बुजी का टेम्पल इस साइड है, मेरे को कुछ नो आइडिया है, मेरे को तो बुजी ने पूछा है वो रहा साइड गेट है। सो यहाँ पे विदाउट मास्क कोई एंट्री नहीं है, तो भी मास्क लेना पड़ेगा इन्हें, मैं तो लेकर आया हूँ पहले साथ में। चेक दिस आउट गाइस, चेक दिस आउट, साइड है मंदिर गौतम बुजी का। एंट्री होने से पहले चेकिंग भी हो रही थी, तो चेकिंग हो गई, अभी हम अंदर आ गए और अभी जा रहे हैं हम टेंपल वाली साइड। सीरियसली यार जहाँ जहाँ टेंपल है ना, टेंपल का एरिया काफी ज्यादा पीस है और काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा लग रहा है, वाइब्स बड़ी पॉजिटिव है। तो अभी बस जा रहे हैं यार, बाकी सब वॉशरूम गए थे, आई थॉट कि कुछ आपके साथ गुफ्तगू किया जाए। और अभी बस जा रहे हैं मंदिर की और आपको दिखाते हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया अंदर जाकर, काफ़ी ज़्यादा पीस था, बस अभी आगे जाना है, देखते हैं अभी कहाँ जाना है। सो चलते हैं अभी आगे और लेट्स गो। ये एग्जिट और यहाँ पर भी कुछ है, सो लेट्स सी। इतनी प्यारी बेल बनाई है यहाँ पर, ब्लेसिंग्स का वो वाला है जो सेम वहाँ पे, ये बड़ा इन द फॉर्म ऑफ, बहुत अच्छा लगा यार मेरे को, बहुत मज़ा आया। बस अभी आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आगे कहाँ जाना, मार्केट ही घूमेंगे अभी तो, भागसू नाइक जो भी है फॉल, नाइग्रा फॉल बोल लगा तो वहाँ तो जा नहीं सकते, तो अभी चलते हैं आगे, लेट्स गो। धर्मशाला स्काई वे केबल ट्रॉली यहाँ से जाती है धर्मशाला तक जाती है आई थिंक। तो अभी बस मार्केट घूम रहे हैं और थोड़े यहाँ पे स्पेशल मोमोज खाने हैं यहाँ के गुड़िया ने, वो भी तो अभी बस वो खाते हैं, फिर थोड़ी देर तक निकलना है घर, घर के लिए भी निकलना है। सो लेट्स गो गाइस। थक गया हुआ है, थक गया तू, ये भी थक गया हुआ है, थक गया तू, बेचारे को नींद आ रही है, मेरे को भी नींद आ रही है यार, रहम कर दो प्लीज प्लीज, घर ले चलो मुझे। मोमोज खाने लगे फिर, चलो ही खाए। गॉड खाना तूने है, क्या खाना है? डोनट खाना तूने, मैं तो पेस्ट्री खा रहा हूँ, ये वाली चॉकलेट ट्रफल, और ये सबसे आइकॉनिक जगह जहाँ स्ट्रीक्स चलती हैं। सीरियसली दिस प्लेस इज अमेजिंग यार, बहुत मजा आया। और बस अभी चलते हैं, चले चलो। Bye. It's time to say goodbye, honey. Bye. Bye, bye, bro. Take care. Khuda hafiz. Milte hain. Jaldi. नहीं, मैं नहीं जाऊंगा. मुंडुआ, bye. Bye, मुंडुआ. Bye, मुंडुआ too. फिर सबको बोल दे, फिर क्या करना है वीडियो को? लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और चैनल पे कमेंट कर दो, शेयर कर दो. सो गाइस मैं वापस घर आ चुका हूँ, फोन की बैटरी बिल्कुल डेड है और मेरे साथ में खुद की बैटरी भी डेड हो चुकी है यार। मैं आपको सीरियसली बताऊँ, फर्स्ट टाइम मैं मैक्लोडगंज गया हूँ, काफी ज्यादा मजा आया। पहले तो मेरे को कुछ पता ही नहीं था, मैं पहले तो चीजें एग्जामिन कर रहा था कि भाई कहाँ पे क्या है, मेरे को तो कुछ भी पता नहीं था यार। मैक्लोडगंज में काफी ज्यादा जगह जहाँ पे आज हम नहीं गए, जैसे हो गया बागसूनाग वाटरफॉल, तरुण ट्रैक नहीं देखा, शिवा कैफे नहीं देखा, आज हम गए थे बुद्ध टेम्पल गए थे और हमने तिब्बतन मार्केट देखी थी। बट डेफिनेटली आई एम फॉर श्योर नेक्स्ट टाइम हम जब भी जाएंगे तो सारा कवर करेंगे। इस बार तो मेरे को कुछ इतना खास नॉलेज नहीं थी, बट अब
नॉलेज हो चुकी है, तो आई एम 100% श्योर आपको इससे बेटर ब्लॉग मिलेगा। सो काफी ज्यादा मजा आया आज बूजी और हनी मनी से मिलकर, भी काफी ज्यादा अच्छा लगा। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो क्या करना है आपको, ब्लॉग को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स ड्रॉप करना है जिससे हमें ज्यादा ज्यादा मोटिवेशन मिले, वीडियो को ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को टर्न ऑन करना है, और लास्ट में हंसते रहो मुस्कुराते रहो क्योंकि आप देख रहे हैं सही लोग, और आप सब सही लोग, और आपके वजह से हम ऐसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड